हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए तो हम आज बनाएंगे मटर का अचार। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 से 2 किलो मटर ले लिए हैं। ये मैंने छील के साफ करके रख लिए हैं मटर। अब हम इसको उबालेंगे मटर को। तो इसके लिए हमें एक गंजी में हमने पानी ले लिया है। ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है और इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसको हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे। जब ये पानी हमारा उबल जाएगा तब हम इसमें अपने मटर को डालेंगे। और हमें मटर इतना पकाना है कि ऊपर आ जाए, बस इतना ही हमको मटर को पकाना है। देखिए हमारा पानी उबल गया है, अब इसमें अपने मटर डाल देंगे। तो मटर के वो हम ढक कर रख देंगे इसको, और हमें केवल इतना ही पकाना है कि ये सारे मटर ऊपर आ जाए पानी के, ज़्यादा नहीं पकाना है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये देखिए हमारे मटर सारे ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब हमारे मटर पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे मटर पक चुके हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे जिससे इसका पानी सारा निकल जाए। अगर आप मटर का कलर ऐसा ही रखना चाहती हैं अचार के लिए तो आप बर्फ़ वाले पानी में इसको निकाल सकती हैं, जिससे कि इसकी जो प्रोसेसिंग है पकने वाली वो बंद हो जाएगी। ये देखिए हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसका सारा पानी निकल जाएगा इससे। और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपसे अचार आपसे अच्छे से बनाते बने। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा धूप में डाल देते हैं, या फिर आप पंखे के नीचे भी डाल सकते हैं जिससे कि इसका पानी सूख जाए। ये मैंने धूप में डाल दिया है छत में मटर को। केवल इसका पानी सुखाना है हमें, बहुत ज़्यादा मटर को नहीं सुखाना है। आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकती हैं हवा में। चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 चम्मच सौंफ ली है बड़ी चम्मच से। और 2 चम्मच हमको खड़ा धनिया लेना है। जीरा हमें लेना है 1 चम्मच। काली मिर्च हमको लेना है, 10 से 15 काली मिर्च लेना है। अब इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमें कि वो जल जाए। इसको अच्छी तरह से भून के ये देखिए भून गए हमारे मसाले। इनको हम रख लेंगे निकाल के। अब हम थोड़ा सा मेथी और कराहल, इसको आप कलौंजी भी कहते हैं, इनको भी हम भून लेंगे। कराहल और कलौंजी को हमको पीसना नहीं है, इनको हम ऐसे ही डालेंगे। ये अचार बहुत टेस्टी बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। भूंज गया हमारा। चलिए अब हम इसके लिए राई को भूंजेंगे। अगर आपके पास पीली वाली सरसों हैं तो आप उसको भी डाल सकती हैं। ये 3 चम्मच मैंने ये डाल दी है राई। इसको भी भून, जब ये चट चट की आवाज़ आने लगती है तब समझिए कि भून गई है। ये देखिए हमारी भून गई है।
अब हमने लाल मिर्च ली है, ये 6 से 7 लाल मिर्च ली है, इसको भी हमने अच्छे से भून लेंगे। सभी मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए तो हमारी जो लाल मिर्च हमने ली है, इनको हम सबको काट लेंगे मिर्ची, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अचार में। और आप मटर को मिक्स अचार में भी डाल के बना सकती हैं। सारी मिर्च हम काट लेंगे। हमें ये मसाले सभी पीसना है, केवल हमको इसको नहीं पीसना है, मेथी को और कलौंजी को, और बाकी सभी मसाले पीसेंगे, मेथी, कलौंजी और लाल मिर्च, इनको हमें नहीं पीसना है। और ये सारे मसाले हमें दरदरे पीसना है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। और अभी इस समय मटर आ रहे हैं, तो आप भी मटर का अचार बनाइए और सबको खिलाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, सभी को बहुत पसंद आता है। पूरी पराठे में, बच्चों के टिफिन में, ये देखिए अच्छा दरदरा पीस लिया हमने इसको, और हम राई को भी पीस लेंगे। इसको हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीसना है राई को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा बना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए हम तेल गरम कर लेते हैं। मैंने तेल ले लिया है, इसको गरम होने देंगे तेल को, जब ये धुआं छोड़ने लगे तब इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए धुआं छोड़ने लगा हमारा तेल, हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे सभी मसाले हम इकट्ठे कर लेंगे और उनको मिक्स कर लेंगे। चलिए हम मटर में डालेंगे इसको, हमारे मटर अच्छे तरीके से, देखिए इनका पानी सूख गया है, ये मैंने छत में धूप में डाल दी थी, आप घर के अंदर भी सुखा सकती हैं। अब इसमें हम अपने जो मसाले पीस के रखे सभी इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। मिक्स हो गया। चलिए हमने जो तेल गरम किए थे ना, वो थोड़ा ठंडा हो गया है, अब उसमें हम अपने बाकी के मसाले मिला दें। इसके लिए हमने इसमें हींग ली है 1/2 चम्मच, छोटी चम्मच से हींग अचार में डालना चाहिए, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हींग से। अब 1 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी वाली नहीं है ये, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है अचार में, अचार बहुत सुंदर दिखता है, जैसे बाजार का अचार आता है ना उस तरीके से वैसा दिखता है अचार। अचार का रंग देखकर तो खाने का मन पड़ जाता है। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे हम, 2 से 3 चम्मच डालेंगे हम,
ये 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस तेल को हम अपने जो मटर में मसाला डाल के रखे ना उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी तेल थोड़ा कम लिया है मैंने, बाकी मैं तेल अचार रखने के बाद डालूंगी उसमें ऊपर से। उसको भी हमको इसी तरीके से गरम करके डालना है, तेल को गरम करके फिर ठंडा करके और फिर डालना पड़ेगा ऊपर से डब्बे में भरने के बाद। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। सब मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे आधी चम्मच। इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, आधी चम्मच के करीब इसमें हम शक्कर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर दें। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है अचार का और ये हमारे अचार को ख़राब भी नहीं होने देती। हम इसमें डालेंगे हमारा विनेगर, आप इसमें नींबू भी डाल सकती हैं। विनेगर से क्या होता है कि जो अचार की सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं और आपके पास अगर नींबू का रस है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अचार को हमें कम से कम 1 दिन पूरा इसको रखना है, 24 घंटे इसको ढककर रख दीजिए, उसके बाद हम इसको बरनी में भरेंगे। ये देखिए हम इसको डब्बे में, एक साफ़ सुथरा डब्बा लेंगे उसमें इसको भरेंगे। डब्बा में गीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा डब्बा होना चाहिए जिसमें हमें इसको भरना है। चलिए अब इसको हम एक डब्बे में भर देते हैं। ये देखिए डिब्बा मैंने लिया है, सूखा है, साफ़ सुथरा डिब्बा है। अब इसमें हम अपने अचार को भर देंगे और अचार को हमको अच्छे से दबा दबा के भरना है मटर के अचार को। इससे क्या होता है कि इसमें तेल भी कम लगता है और लंबे समय तक चलता भी है। इसको जितना दबा के भरेंगे उतना बढ़िया रहेगा ये अचार और सारा तेल हमारा इसमें ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से दबा दबा के हमको अचार को रखना है। ये देखिए कितना बढ़िया अचार बन गया है, आप भी इसको बनाइए। और सर्दियों के सीज़न में ही तो आते हैं मटर, तो जल्दी जल्दी आप मटर मंगाइए और अचार बनाइए। इसको आप साल भर स्टोर करके बढ़िया अच्छे से रखिएगा। और हाँ, जब आपको निकालना हो तो आप सूखी चम्मच से निकालिए, गीले हाथ से नहीं निकालना और ना ही चम्मच गीली होना चाहिए। अब आप इसमें बढ़िया ऊपर से तेल भर के और रख दीजिए और इसको कम से कम आपको 3 से 4 दिन के बाद ही यूज़ करना है खाने के लिए। 3-4 दिन में ये तैयार हो जाएगा, आपका अचार खाने लायक हो जाएगा। चलिए तो आप मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे बनाया और मेरा अचार का रेसिपी कैसी बनी।